हॉस्पिटल जाने के लिए और मम्मा भी हमारे रेडी हो चुकी। गद्दा वो नहीं है, स्लिप वेल वाला नहीं है। दोबारा बोलो। हेलो खमागणीसा, तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और 9:30 बज चुकी है, जस्ट अभी सपना का कॉल आया, वो ऐसे बोल रही है कि शायद हमें 1.5 घंटे के अंदर जाना पड़े, तो तू एकदम रेडी रहना। तो मैं तो एकदम रेडी हूँ, देखते हैं कि आज हमें रात को ही निकलना पड़े हॉस्पिटल के लिए, वो तो आगे व्लॉग में पता चलेगा आपको, नहीं तो कल सुबह तो जाना ही है। तो अभी मैं, मम्मी और ज्योति ऐसा खाने वाले हैं आइसक्रीम जो कि फ्रिज में है, चलो लेते हैं। और सीधा क्योंकि ज्योति पैसा को भी उस वाले घर में जाना है, तो उस चक्कर में फटाफट से निकाल के लेके चलते हैं। चम्मच इतनी मम्मी के लिए, मेरे लिए, ऋषभ, कीशु भी रोने लग जाती है, कीशु और ज्योति पैसा, ये छोटी हो गई ज्योति पैसा के लिए, ये ज्योति पैसा के लिए। तो ये चलो खाते हैं अब आइसक्रीम। चलो चौकी चौकी आ गई। क्या है ये किशा, फिनिश करते हैं? मम्मी के तो डब्बा देखो, अब ये होती है देसी सासू है मम्मी, है घर बांधो सासू। मम्मी ने आइसक्रीम की टेंशन होनी कि भाई आइसक्रीम आई है, पर मम्मी ने सोचा खाली का दूर और डब्बो साफ करके मैं रखूं, है सरफ को देख लो। मम्मी आजकल है ना कोई रखता ही नहीं है इन चीजों को किचन में, कैसे समझाए, रोटी चपटी सी गाल दिया, आजकल टिफिन होते हैं, टिफिन तो है पुणे काम आ जाए। चलो चलो ठीक है, अपन अपन फिनिश करेंगे तभी तो काम आएगा। सोच रहे देखो मैं भी आ गई हूँ भाई, यहाँ कोई वेट नहीं करेगा, सब खत्म। हाँ जल्दी अपन करेंगे जल्दी। ऋषभ इसको पकड़ो आप, फोन आराम से। हाँ तो पापा का कॉल आ जाएंगे, ये ठीक किशु के मैं खाऊंगी है, मैं आज कई दिन खाई है। मम्मी मोमोज खाए हैं बोला दिन क्या मोमोज रहे मोमोज रहे क्यों मम्मी मम्मी कह कितनी कितनी कितना बोल रहे कितना होता फिर मार्गन जाए वहां से देखिए ये एकदम ही हो जाएगा चुप है मम्मी ठीक है। ओके ओके गाइस बाय रानी बाय। हमारा बैग कहाँ है गाइस? रानी ये सोचे कि सारे दिन मन किया मटका में ही सारे दिन जाने में। अब चलते हैं फटाफट से मम्मा के पास और घर पे जाके सपना को भी कॉल करके पूछूंगी कि सब कुछ सही है ना सपना, क्योंकि यार फिर है ना मैं थोड़ा बहुत है ना ऋषभ का और किशु का भी है ना बैग पैक कर देती हूँ, क्योंकि शायद मम्मी इधर वाले घर पे आ रहे हैं और साथ में बच्चे भी इधर ही आएंगे, 2-3 दिन तो परेशान हो जाएंगे। बच्चे तो क्या ही परेशान होंगे, उनके तो पिकनिक सा ही हो जाएगा, ऐसे लगेगा उनको कि नानी के चले गए हम तो। चलो मैं पहुंच गई, चलते हैं अब सीधा ऊपर और करते हैं एडिटिंग कल के व्लॉग की, क्योंकि यार 10 बजे व्लॉग डालना होता है ना, तो उस चक्कर में है ना रात को ही एडिटिंग करके रात को ही थंबनेल वगैरह लगा के फिर ना सोना होता है, नहीं तो नींद ही नहीं आती। पता है सुबह तो होता ही नहीं है, बच्चों को रेडी करना, साथ ही साथ कीशा और ऋषभ दोनों जाते हैं और फिर झाड़ू पोछा ये सारी चीजें भी हो जाती है, तो इस चक्कर में सुबह का तो मैं सोच ही नहीं सकती। ये तो फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और फटाफट से मुझे खाना खिलाना है ऋषभ के पापा को और मम्मा को, और फटाफट से निकलना भी है मुझे भी हॉस्पिटल के लिए सपना के साथ। और मम्मी पापा एंड ऋषभ के पापा जा रहे हैं मम्मा का रूटीन चेकअप करवाने। तो सब्जी कैसी बनी? मम्मा ने खाना खा लिया? खा ली भाई, खा लिया ना मम्मी, बहुत सुपर फास्ट खा लिया है। मैं जल्दी खाऊं, रोटी खाओ चाहिए, काम करो चाहिए, बर्तन पड़े हैं रसोई में,
जो मान जे वो जो ठीक रहे उन्हें दो तीन दिन तक। अरे मम्मी वो तो मैं मान जूंगी। क्या की मान जाएगी चार बार फिर यही रसोई से बाहर के बर्तन आ गए कुड़ में वो छोरो मान जाओ गे लेने ए बात यार मम्मी ते कि किसी बात ना मांस देव के मांस देगो करो पर देहर की सोई अकरे कोई सोई को नहीं करे करे क्यों कर दी दे गणाई मन जाएगी लन बर्तन मांस चाल बेटा कुंड बोलो मन तो मैं तो वैसे ही मांझने वाली थी मम्मा आपने ये सारी चीजें गलत ही बोली ये तो मुझे भी पता है बर्तन तो मुझे ही साफ करके जाने पड़ेंगे पीछे से आप दोनों मजे करना आप माँ बेटे और ऋषभ का पापा गया ना मेरे से मतलब वो हो गए ये इरिटेटेड पढ़ ली साइड शिफ्ट होगा की पूरा प्लान बना रखे और मन बताया क्यों नहीं बता क्या तो तू तीन दिन लाग सी तन तीन दिन छोरा छोरी रहन दियो काल का व्लॉग में किया करा मन्ने मैंने भी पल्ले घर छुड़वा दियो पल्ले घर मम्मी ने ये केबरो किए उगियो भी पल्ले घर है पापा बिना जी कई बार तो चाय बिना रह जावा पड़ो कल कल चाय चाय शाम की चाय पी को नहीं तू घर से चाय बना सी बन जाएगी चाय तो बनाई दे आदमी चलो ठीक है यार बर्तन साफ कर लेती हूँ मैं नहीं तो मम्मी मैं रेडी हो चुकी हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए और मम्मा भी हमारे रेडी हो चुके हैं हॉस्पिटल जाने के लिए मम्मा आप वाला डॉक्टर साहब ने जो देवो गिफ्ट देवो चाहो ना वो आगे ले गए चलो ठीक है सपना बोल रही थी 5-10 मिनट के अंदर अंदर है ना मैं पहुँच जाऊँगी तेरे पास तो मैं नीचे चल जाती हूँ क्योंकि फिर है ना वेट करना पड़ेगा ध्यान रखिए सपना को मम्मी के ध्यान रखिए सपना को क्यों कदे तो बोलो के चक्कर में रह जाओ ध्यान रखिए के करना बता दो कुछ अगर ओके सबरो ध्यान रखूंगी फिर ठीक है चलते हैं गाइस आ जाओ आप आपका वेट भी अब कंप्लीट होने वाला है कल या परसों में तो हो ही जाएगा है ना अभी ना मशीन के मैंने कपड़े गए हां मशीन में मशीन में कपड़े धो दिए सुखा भी दिए भाई मम्मी मम्मी ये सोचे कोई ना कोई कोई काम छोड़ ना चल जाए तो गाइज आप सबने तो देखा ही था व्लॉग में मैंने कपड़े भी सुखा दिए बर्तन भी साफ कर दिए सब कुछ कर दिया ऋषभ के पापा ने जो खाना खाया था वो भी कर दिया दुख बोल पा रहे हो तो क्या करूं तो मैं भी पाचा चलो ठीक है गाइज चलते हैं अपन भी जस्ट मैं पहुंची हूँ मेन रोड पे क्योंकि सपना का कॉल आया कि यार जल्दी से जल्दी पहुंच क्योंकि उसके थोड़ा से पेन स्टार्ट हो चुके हैं तो आज फाइनली सपना एडमिट हो जाएगी आप सब बहुत सारा वेट कर रहे थे आप सब भी बहुत सारे कमेंट भी आते हैं पिकनिक मनाने जा रही है पिकनिक मनाने जा रही है देख आज सारे तो तू तू मनावा जा रही लगी मन तो ये लगा है बंद हो गया क्या गेट बंद हो गया तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और अब सपना जा रही है मैम के कैबिन में तो वो बताएंगे बच्चा कब तक आ जाएगा सुबह थे तो अभी इतने पेन्स नहीं है तो एक बार दोबारा पेन आने में फिर डिपेंड करता है कि पेन के साथ कितना बेबी नीचे डिसेंड करता है पेन की इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा मे बी आप रात में फ्री हो जाओ मे बी आप कल सुबह तक फ्री हो तो सपना को लेके आ गए रूम में अब बोल रही है कि मैं देख लेती हूँ बेड सही है क्या गद्दा वो नहीं है स्लिप वेल वाला नहीं है टाइट ज्यादा है टाइट ही चाहिए पेशेंट को तो अब ये देख लेते हैं ये तो गांव वाला ही नहीं ये नहीं उड़ूंगी मैं ये नहीं नो 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 मेरी स्किन के रैशेस कर देगा मुझे ये वो वाला है जो अपने गांव में होता है ना वही वही क्या बोलते हैं इसको बल्डी कंबल 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 बोलते हैं हमारे साइड बल्डी बल्डी पता नहीं क्या बोलते हैं कितनी उठक बैठक निकालनी है 50
तो सपना 50 निकालनी है और मैं काउंट करूंगा और टाइम लैप्स लगा दूंगा। थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर उठो, थोड़ी देर बैठो, फिर उठो, ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, टाइम निकल जाएगा। ये ऐसे बोल रही, दिखाओ ड्रेस सुंदर है क्या? सुंदर नहीं है, पेटीकोट पेटीकोट है। अरे यार, अच्छी सी लागे दो ना कुछ, गाउन नहीं है, गाउन वगैरह लगे ना, ये चलेगी। या तो मुंह ऐसे बनाने से कुछ नहीं होगा, डिलीवरी वाले टाइम बनाना है। तो हमारे सपना को है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी वो वाली ड्रेस, तो देख एकदम ब्रांड न्यू। पर ये वो अगर वो पेटीकोट टाइप की है ना तो फिर मैं मेरी पहन लूंगी, आपको मेरे पहनना पड़ेगा, कंपल्सरी है, मतलब हाँ जब मर्जी तब। तो सपना के कोई भी पेन स्टार्ट नहीं हुए अभी, जस्ट मैं बोल के आ रही हूँ कि कैंडुला लगवाना है उसके, तो बस वो कैंडुला लगा देंगे, फिर उसके बाद में शायद, मतलब वो जो ड्रिप वगैरह चढ़ती है ना, तो बोल रहे हैं कि उससे पेन स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो देखते हैं आगे, आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। सपना थोड़ी सी ऐसे घबरा रही है यार, मतलब उसको ऐसे डर सा लग रहा है, बट मैं मोटिवेट कर रही हूँ उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जब डॉक्टर बोल देते हैं ना कि भाई सी सेक्शन से होगा, तब तो अपन फिर भी एक अलग बात है कि यार अपन भी डर जाते हैं कि सी सेक्शन से ही करवाते हैं, बट अब डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं कि 90% इसका चांसेस है नॉर्मल का, अगर ये घबराए नहीं तो। तो वो देखो क्या होता है। चलो मैं भी अब बोल के आती हूँ। अच्छा ये दर्द का है क्या? ये ऑक्सीटोसिन है, ये दो है ऑक्सीटोसिन। तो सपना अब तैयार हो जा, अब बढ़ जाएंगे, ठीक है? हो ही रहे। पानी पीना है तुझे? तो होंठ क्या सूख गया? तो लिपस्टिक तो लेगी पूरी, गप गई पेट में। अब दर्द वाला वो चढ़ जाएगा ना, क्या बोले? और लगाइए कुछ नहीं पीना, अब कॉफी मोमोज बोलती है ना, तो वो चाहिए तेरे को, पिज्जा कुछ नहीं चाहिए। बेबी बेबी चाहिए? बेबी तो चाहिए। नहीं हो गया सपना को थोड़ा गुस्सा आ रहा है, कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, गुस्सा आपने दुनिया पर ही निकालेंगे। हो चुके हैं, बट जो डॉक्टर है वो घर पे चले गए, तो वो बोल रहे कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर मैं पहुंच जाऊंगी, तो देखते हैं कब तक होता है। बेबी आज रात को जाए मे बी, या फिर कल सुबह भी हो सकता है, वो तो आपको भी पता चल जाएगा, कल के व्लॉग में पता चलेगा, बट ये वाले व्लॉग में नहीं पता चलेगा। और काफ़ी परेशान हो रही है सपना, मतलब पेन में। और उनके मम्मा हुकुम भी ऐसे रोने लग गए, मेरे तो खुद के ऐसे अजीब सी हालत हो गई, क्योंकि यार है ना, पता है वो गिव अप कर रही है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाना, मुझे सीजेरियन नहीं करवानी है, तो उसके लिए बस उसी के लिए हम बोल रहे हैं कि भाई जब नॉर्मल हो रही है तो यार नॉर्मल ही होनी चाहिए ना। आप सबको भी पता है नॉर्मल है ना डिलीवरी, 1-1.5 महीने के अंदर है ना सपना जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी। सेक्शन से तो आपको पता ही है यार, फिर 6-7 महीने हो जाते हैं रेस्ट करने वाला। तो आई होप सपना ये पेन सहन कर सके, और हमारे किरण भाई साहब भी आने वाले हैं बस 5-10 मिनट के अंदर अंदर, देखो क्या होता है, वो तो आगे पता चलेगा, मे बी आज के व्लॉग में भी पता चल सकता है, या फिर कल के व्लॉग में तो 100% पता चल जाएगा आपको क्या होने वाला है। अभी सपना कर रही है वॉक, और उसकी मैं आप सबसे बात नहीं करवा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, मतलब पेन आते तो आपको पता ही है यार, बहुत गुस्सा आता है, मतलब जो सामने वाला होता है ना उसको मारने की इच्छा होने लग जाती है। नहीं,
हाँ ये वाले भी सही है। ये और नारियल तेल है क्या? और तो देख हाँ एक डायपर अच्छा अच्छा ये दादू का कपड़ा के लिए वो नीचे लेके छोटा बाबू ने थोड़ा सा दर्द से लो बस इतनी हिम्मत करके निकाल दिया थोड़ा सा दिन बस अभी दो घंटे एक क्या कितना टाइम लगेगा बस एक घंटे और बस हिम्मत वाली है सपना दीदी बहुत अंदर लेके जाएगी मेरे को क्या हुआ दी ओके थोड़ी सी वॉक कर लो सपना को लेबर रूम में लेके चले गए बस अब एक डेढ़ घंटे के अंदर अंदर बेबी हमारा हो जाएगा एंड प्लीज़ आप ये कमेंट मत करना कि बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है वो सबसे पहले सपना रिवील करेगी मैं नहीं कर सकती इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी अगर आप ये कमेंट करोगे तो मैं उसका रिप्लाई भी नहीं दे पाऊँगी आई होप आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट व्लॉग होगा बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है वो सारी चीज़ें आपको कल के व्लॉग में पता चल जाएगी मैं भी जस्ट ऊपर ही जा रही हूँ ठीक है बाय गुड नाइट।